प्रदेश में 24 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी महाविद्यालयों में छात्र चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। पौड़ी जिले के राजकीय महाविद्यालय सतपुरी में छात्र संघ चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन केवल 4 पदों पर ही नामांकन किया गया। हैरत की बात यह है कि छात्र संघ चुनाव में जिन 4 पदों के लिए नामांकन हुआ है उनमें सिर्फ NSUI के ही प्रत्याशी शामिल हैं। ऐसे में यहाँ का छात्र संघ चुनाव अब एक तरफा हो गया है जिसकी अब औपचारिकता ही बाकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नामांकन वापसी और नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों की संख्या स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल NSUI के 4 प्रत्याशी छात्र संघ चुनावी मैदान में हैं और जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है वहीं उप जिलाधिकारी चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने भी राजकीय महाविद्यालय में चल रही छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण किया ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और निपट सके। छात्र संघ चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अवधेश उपाध्याय ने बताया छात्र संघ चुनाव में केवल 4 पदों पर ही नामांकन किया गया है। नामांकन प्रक्रिया थी शासन चुनाव की जिसमें 4 बच्चे एलिजिबल थे जिन्होंने जो है नामांकन किया है। अभी इनकी एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट होनी है, उस तदुपरांत जो है इनके प्रपत्रों की जांच होगी, वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। हमारे यहाँ नामांकन किए हैं बच्चे, उसमें अध्यक्ष पद के लिए दिव्या बूढ़ा कोटी BCOM फर्स्ट सेमेस्टर से और महासचिव के लिए कुमारी दिव्या है BA तृतीय वर्ष की, कोषाध्यक्ष पद के लिए आकांक्षा है BA थर्ड ईयर की है और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए अभिषेक BSc सेकेंड ईयर से है।